हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रैक्टिस शीट एट ऑफ एस एच एम फर्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे हम लोग टू स्प्रिंग्स ऑफ सेम मटेरियल एक का लेंथ एल एंड दूसरे का लेंथ ट्वाइस एल आर सस्पेंडेड विद मास एम एंड ट्वाइस एम अटैच्ड एट देयर लोअर एंड्स द टाइम पीरियड्स वैन दे आर अलाउड टू ऑसोलेट विल बी इन द रेशियो ठीक है ना इसमें कंसेप्ट जो यूज होगा वो ये होगा कि टाइम uh, के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ सो so, अगर दो स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो निकाला अपन ने तो इट इज एल टू बाय एल वन सेकेंड का लेंथ कितना है ट्वाइस एल फर्स्ट वाले का एल है तो एल एल कट तो आंसर आ गया टू इज टू वन ये हो गया के वन के टू का रेशियो ना टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के है ना मतलब टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट के सो टी वन अपॉन टी टू इज इक्वल टू रूट ऑफ एम वन अपॉन एम टू इंटू के टू अपॉन के वन सो टी वन अपॉन टी टू सॉरी टी टू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम वन कितना है एम एम टू कितना है ट्वाइस एम इन टू के टू बाई के वन कितना है जब के वन बाय के टू इज टू बाय वन तो के टू बाय के वन इज़ वन बाय टू एम एम कैंसल रूट के अंदर क्या बचा वन बाय फोर सो आंसर कितना आ गया टी वन अपॉन टी टू का वन बाय आंसर वन क्वेश्चन नंबर टू द सिस्टम शोज शोन इन द फिगर वैन स्लाइटली डिस्प्लेस एंड रिलीज ऑसोलेट विद टाइम पीरियड टी इफ ओनली वन स्प्रिंग इज यूज क्या बोला देखो यहां पर द पीरियड ऑफ ऑसोलेशन वुड बी अब ये डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे तो दीज आर टू स्प्रिंग्स स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज और दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना है के तो के इक्वी वैलेंट कितना हो जाएगा यहां पर के बाई टू ये प्रॉपर्टी है अगर दो स्प्रिंग्स हैं सीरीज में कनेक्टेड तो एक के इक्वलेंट के बाई टू अगर तीन स्प्रिंग्स हैं तो के बाय थ्री अगर एन स्प्रिंग सीरीज में है विथ स्प्रिंग स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के तो के बाय एन ठीक है अब उन्होंने क्या बोला है तो पहले वाले केस में टाइम पीरियड कितना रहेगा टी इज इक्वल टू तो टू पाई अंडर उट ऑफ एम बाय के के कितना है यहाँ पे के बाय टू के इक्वालेंट लेना है ना तो आंसर कितना आएगा टू पाई अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम बाई के ठीक है ये पहले वाले में टाइम पीरियड आ गया अब क्या बोला है सिर्फ एक ही स्प्रिंग ऐसा कनेक्ट किया है और सेम मास कनेक्ट कर डाला के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का तो इसका टाइम पीरियड कितना आएगा नया टाइम पीरियड टी डैश इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के अब इन दोनों को अगर डिवाइड किया हम लोगों ने ये टी का और टी डैश को डिवाइड किया तो टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के अपॉन टू पाई अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम बाई के टू पाई टू पाई कट हुआ के के कट हो गया एम एम कट हो गया तो यहाँ से टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू वन बाय रूट टू आएगा विच एम्प्लाईज टी डैश इज इक्वल टू टी बाय रूट टू सो करेक्ट आंसर इज टी बाय रूट टू ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री अ मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम टू कपल्ड स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज हाँ यहाँ पहले ही बोल दिया कि सीरीज में कनेक्टेड है द फोर्स कॉन्स्टेंट फॉर द स्प्रिंग्स आर के वन एंड के टू ठीक है अभी यहाँ पे पहले के एक वैलेंट निकाल लेते केक वैलेंट मालूम है स्प्रिंग्स इन सीरीज के लिए के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू ठीक है ये स्प्रिंग्स इन सीरीज़ के लिए होता है द टाइम पीरियड ऑफ द सस्पेंडेड मास वुड बी टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएंगा टू पाई अंडर ऑफ एम अपॉन के इक्वी वैलेंट दैट इज टू पाई ऑफ़ एम अपॉन के इक्वेलेंट कितना है के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू के वन प्लस के टू ऊपर चला गया तो करेक्ट आंसर क्या बन गया ऑप्शन थ्री है ना क्वेश्चन नंबर फोर अ स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के इज लोडेड विथ अ मास एम अ स्प्रिंग इज कट इनटू टू टू इक्वल पार्ट्स Equal पार्ट बोला है एंड ऑफ अगेन विद मास द न्यू स्प्रिंग यहाँ पे स्प्रिंग ध्यान रखना है है ना? Spring constant पूछा है. ना okay, पूछा तो अगर equal, हा, equal part में एक स्प्रिंग को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है ना छोटे छोटे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाता है के बाय टू के बाई टू सो करेक्ट आंसर वुड बी सॉरी के सॉरी के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया एक्सट्रीमली सॉरी सो आंसर आ जाएगा इसका इक्वल uh, पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक, -एक दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा ट्वाइस के बिकॉज के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ तो लेंथ अगर हाफ होगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना सो आंसर वुड बी ट्वाइस के क्वेश्चन नंबर फाइव अ स्प्रिंग मास सिस्टम ऑसलेट्स विथ फ्रिक्वेंसी एफ इफ इट इज टेकन इन एलिवेटर स्लोली एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स इट्स फ्रीक्वेंसी विल ओके फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना आएगा टू पाए अंडर रूट ऑफ के बाय एम सॉरी सॉरी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला कितना आएगा यहाँ पर टाइम पीरियड के फार्मूले का उल्टा तो फ्रीक्वेंसी वुड बी वन बाय टू पाए अंडर रूट ऑफ के बाय एम ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है देर इज़ नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी सो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम क्योंकि जी का टर्म ही नहीं है ना तो इसलिए फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर फोर सॉरी टू मासू आर ज्वाइंट एंड टू एंड एंड टू एंड मतलब सीरीज द रिजल्टेंट फोर्स कॉन्स्टेंट के ऑफ द सिस्टम इज सीरीज में रिजल्टेंट कितना होता है के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू क्वेश्चन नंबर सेवन लास्ट क्वेश्चन वेटलेस स्प्रिंग विच हेज फोर्सेंट के ऑसोलेट विद फ्रीक्वेंसी एन वेडेड फ्रॉम इट नाउ द स्प्रिंगल हाफ एंड ऑफ ट्वाइस एम इज सडेड फ्रॉम इट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसोलेशन विल नाउ बी ठीक है फ्रीक्वेंसी पूछा अब फ्रीक्वेंसी का पहले बार में फ्रिक्वेंसी कितनी रहेगी वन बाय टू बाई अंडर रूट ऑफ के बाई एम यानी यहाँ से समझ में आ गया कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम ठीक है तो एन डैश अपॉन एम दैट वुड बिकम अंडर रूट ऑफ के टू अपॉन के वन इन टू एम वन अपॉन एम टू है ना? तो कितना आ जाएगा यहाँ पे स्प्रिंग कॉन्स्टेंट नया स्प्रिंग कॉन्स्टेंट अब इक्वल हाफ्स बोला है ना इक्वल हाफ्स में स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा हमको मालूम है क्योंकि के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ लेंथ अगर हाफ़ किया तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है डबल होता है तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट के टू वुड बी ट्वाइस के अपॉन के एम अपॉन एम टू एम एम वन जो है वो एम है एम टू कितना है ट्वाइस एम 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 कैंसल के के कैंसल टू टू भी कैंसल तो आंसर आया वन मतलब एन डैश इज इक्वल टू एन so correct answer would be option 1 so this was all about practice sheet